को लगाते हैं, लाइट सोर्स को नीचे कर देते हैं। लाइट सोर्स धीमा होना चाहिए इसके लिए, क्योंकि कलरलेस लाइट है। अगर किसी स्टैंड डाले होते, कोई स्टैंड से तो कलरफुल होता है। तो इसको हम लोग लो हाई पावर में देखते हैं, इसको हम लोग लो पावर में देख रहे हैं, ठीक है। और 40x का नीचे नोज पीस होना चाहिए, 10x का आई पीस होना चाहिए। इसको लगाने के बाद हम इसको धीरे धीरे कोर एडजस्टमेंट से धीरे धीरे ऊपर करेंगे। आइए इधर कैमरा, और इसमें हम देखते हैं कि किस तरह दिखता है स्पर्मेटो जो हमारा। हाँ, इसमें कुछ दिख रहे हैं जो चलते फिरते हालत में हैं, वो एक्टिव में गिने जाएंगे। कुछ डेड हैं, जो नहीं चल फिर रहे हैं वो डेड हैं, और कुछ हैं जो चल तो रहे हैं लेकिन अपनी जगह भी चल रहे हैं। हाँ सर, अपनी जगह, ठीक है। तो जो तेजी मूवमेंट कर रहे हैं उसे एक्टिव बोलते हैं, और जो मूवमेंट कर रहे हैं लेकिन ज़्यादा दूर नहीं जा रहे हैं उस लगी से, और कुछ हैं जो कि कहीं मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, जो डेड दिख रहे हैं, मरे हुए दिख रहे हैं, ठीक है। तो इसी को हमें काउंट करना होता है सीमेन में। सीमेन एनालिसिस में हम लोग मोर्टेलिटी काउंट करते हैं। मोर्टेलिटी में एक्टिव मोटाइल मतलब कौन जो एक्टिव है, और स्लगिस मोटाइल कौन जो स्लगिस है, कितने चल नहीं रहे हैं। तो एक्टिव मोटाइल में जो है कि कुछ जो दिख रहे हैं हमें कम से कम 50% होना चाहिए। अगर हमने 200 स्पर्मेटो जो काउंट किए हैं, 200 में से 100 स्पर्मेटो जो कि चलते फिरते नज़र आने चाहिए, और बाकी 100 मरे भी हो सकते हैं और स्लगिस भी हो सकते हैं। तो 100 जो है, पहले चुप करा जाए लोगों को, इसमें कितना होगा सर, इसको काउंट कैसे करते हैं। हम लोग माइक्रोस्कोपिक देख रहे हैं, पहले हम लोग जितने जिंदे हैं पहले उसको काउंट करेंगे। टोटल 200 काउंट करने, पहले जिंदे हैं उसको काउंट कर लेते हैं, उसके बाद जो डेड डेड हैं, जो मरे मरे दिख रहे हैं इसमें, उनको काउंट कर लेते हैं। टोटल 200 का एवरेज देखते हैं, 200 में कितने मरे हैं और कितने जिंदे हैं, ठीक है। इसके बाद सबसे पहले